वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड को लेकर के, क्योंकि आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने में भी समस्या आ रही है, जो पेंडिंग होंगे उनमें भी समस्या आ रही है। अब तक हम काम कर रहे थे बेनिफिशियरी मोड पर, अब हम ऑपरेटर मोड पर काम करने की कोशिश करेंगे कि ये सफल रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले हम ऑपरेटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस वीडियो में ऑपरेटर के आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन जानेंगे। तो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लिखें बेनिफिशियरी डॉट एन एच ए डॉट जी ओ वी डॉट इन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी और ऑपरेटर का ऑप्शन शो करेगा, इसे अलाउ कर दें। और ऑपरेटर पर मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करना है। अब तक मैंने ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो नीचे आ रहा है साइन अप, साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप, ये सीएससी का भी कोई ऑप्शन आ रहा था शायद अभी। हाँ, जैसे ही ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ रहा है सीएससी लॉगिन, ये भी ठीक है। सीएससी लॉगिन यहाँ पर करेंगे ओटीपी आएगा। देखो मेरे सीएससी वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पे आ गया है। कैप्चा डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और आधार वेरीफाई करेंगे, क्योंकि मेरा आधार नंबर यहाँ पर पहले से ही आ चुका है। मैं ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा था डायरेक्ट वाला, पर सीएससी का ऑप्शन आ गया है तो सीएससी से ही करते हैं। फिंगर वेरीफाई करेंगे ऑपरेटर का, क्योंकि ऑपरेटर की केवाईसी इसमें हो जाएगी। और इधर ओटीपी मांग रहा है आधार वाला, ओटीपी दे देते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है आधार वाली। और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, योर केवाईसी कम्प्लीटली सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन अगेन। तो मेरी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ पोर्टल पर आने का, ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे और नीचे सीएससी लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सीएससी लॉगिन पर क्लिक करूंगा, मेरी केवाईसी ऑपरेटर की जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा मैंने एंटर कर दिया वेरीफाई पर। जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए ये आ रहा है ओटीपी ऑलरेडी इज वेरीफाइड, वेरीफाई अगेन। तो अभी मेरा जो सीएससी से मैंने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन मेरा इस पोर्टल पर हो चुका है, सीएससी के माध्यम से हो या बाहर के माध्यम से, मतलब। तो अब देखते हैं कि मेरा मैं डायरेक्टली लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, होता है या नहीं होता है। होता है तो कौन कौन सी सर्विसें मुझे उसमें मिलेंगी। यहाँ से ऑथेंटिकेट दे करके मोबाइल नंबर, ओटीपी प्राप्त हो चुका है हमें। देखते हैं कि कौन से लॉग इन होता है। सीएससी तो वैसे इसमें कनेक्ट हो गया है। देखिए तो अभी जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सीएससी के लिए, तो सीएससी की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेरा ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन भी हो गया, क्योंकि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। एक बार मैं प्रोफाइल देख लेता हूँ, प्रोफाइल अपडेट के लिए बोल रहा है। चलिए नहीं करते हैं, स्विच टू रोल ऑपरेटर से। अगर आप ऑपरेटर बीआईएस में रोल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, होम पेज पर जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ परिवार के फैमिली कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, आयुष्मान कार्ड। देखिए हम किसी फैमिली मेंबर का यहाँ पर आधार कार्ड, आधार नंबर डाल दिया है, सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद किसी का भी एक, ये वही परिवार है जिसका मैंने पिछली वीडियो में कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करी थी, नहीं हुआ। तो हम मुखिया के स्क्रिप्ट कर क्लिक करते हैं, नाम इनका सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑथेंटिकेट मोड जो भी आपको सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी मोड सिलेक्ट करूंगा। अलाउ करने के बाद अब मैं कस्टमर से ओटीपी पूछूंगा, क्योंकि इनके इस परिवार के कार्ड बनाए हुए लगभग मुझे 1 महीने से, 1 महीना, इस महीना नहीं 15-20 दिन हो गए हैं, तो डाउनलोड नहीं हो रहे थे। तो जिसकी वजह से कार्ड ये डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, मैं ओटीपी फोन पर फिर पूछ लेता हूँ। क्योंकि कार्ड, इस परिवार के कार्ड डाउनलोड की मैंने काफी कोशिश की, नहीं हो पा रहा है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कार्ड प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हम इनका कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, ओटीपी मांगते हैं। देखिए ओटीपी के लिए फोन कर दिया हमने और ऊपर देख सकते हैं आप, सर्च रीडो केवाईसी एड एड फैमिली मेंबर डाउनलोड कार्ड कार्ड डिलीवरी, सारे ऑप्शन आ चुके हैं। देखिए ओटीपी प्राप्त हो चुका है। अब
व्हाट्सएप पर कर दिया उन्होंने मैसेज, और हम यहाँ से कार्ड प्रोसेस वाला जो साइन है वो हो रहा है कार्ड डाउनलोड का। देखिए कितना टाइम लगता है इसमें, थोड़ा कनेक्टिविटी को लेकर के भी इशू हो सकता है यहाँ पर या फिर सर्वर को लेकर। देखिए कार्ड डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ चुका है, मैं जैसे डाउनलोड पर क्लिक करूंगा कार्ड डाउनलोड आपके सामने हो चुका है। इसका मतलब कि जो ऑपरेटर आईडी से कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। अब मैं दूसरा रेडियो केवाईसी का ऑप्शन भी देखिए खुल गया है, मैं आप क्लिक करके दिखा दूं इनकी, मैं रेडियो केवाईसी कर सकता हूँ, कार्ड अप्रूवल हो चुका है, हो जाए नीचे केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। तो नहीं जाते हम कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इनके बेटा जो इनसे छोटा है उस पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो कुछ लोगों का मना कर रहा है देखिए डाउनलोड करने के लिए, अभी भी कुछ लोगों का डाउनलोड करने के लिए मना कर रहा है। तो हम एक एक वन बाय वन सिलेक्ट करके देखते हैं कि किनका कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे कार्ड की लिस्ट में कार्ड आता है या नहीं आता है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं ये चार नाम, और नीचे में जो पहला नाम है मुखिया के बाद का जो नाम है उसका ऑथेंटिकेशन लेते हैं, हो सकता है कि उसके साथ साथ ये सारे कार्ड भी डाउनलोड हो जाएं। तो रिफ्रेश पर क्लिक करूंगा और अलाउ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर अब मैं फिर से ओटीपी ले लेता हूँ क्योंकि ओटीपी व्हाट्सएप पर आ जाएगा, और ओटीपी प्राप्त होने के बाद देखते हैं कि यहाँ से इनमें से कितने कार्ड डाउनलोड होते हैं। इस परिवार का मैं काफी दिन से कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओटीपी हमने एंटर कर दिया है। ओटीपी एंटर करने के बाद देखिए कार्ड इस समय डाउनलोड हो रहे हैं, जिनके कार्ड अप्रूव और कंप्लीट तैयार हो चुके हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर खुल जाएगी। जैसे कुछ परिवार डाउनलोड नहीं हो रहे हैं कार्ड, तो हो सकता है कि उनके कार्ड तो अप्रूव हो गए हैं और फिर कार्ड उनके जो है इशू नहीं हुए, इशू मतलब पीडीएफ उनकी इशू नहीं हुई है। तो अभी यहाँ क्लियर आपको पता चल जाएगा, प्रोसेस हो रहा है कार्ड को सर्च करने की कोशिश कर रहा। तो देखिए अब मैंने पेज चेंज करने की कोशिश करी, नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ दो लोगों के कार्ड जनरेट हुए हैं और ये बाकी दो इमेज खाली रह गए। मैंने चार मेंबर्स के कार्ड सिलेक्ट किए, तो देखिए उन दोनों का क्लिक किया तो उनके कार्ड भी यहाँ पर डाउनलोड हो गए हैं, जिनके खाली दिखा रहा था उनके डाउनलोड नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के इस परिवार के पांच सदस्यों में से तीन कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, दो सदस्य रह गए हैं। तो ऑपरेटर आईडी से बनाने से ये लाभ मिला कि जो कार्ड पेंडिंग चल रहे थे वो डाउनलोड हो चुके हैं। तो आप भी एक बार ट्राई करें आपके पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और बाकी ऑप्शन आप ऊपर देख सकते हैं। रेडियो केवाईसी का भी ऑप्शन आ चुका है हमारा, और ऐड फैमिली मेंबर का भी आ गया है, कार्ड हिस्ट्री का भी आ गया है, कार्ड डिलीवरी का सॉरी, और सर्च रेडियो सर्च का भी ऑप्शन आ गया है। तो आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं। देखिए इन दो जनों के कार्ड डाउनलोड नहीं होते, तो फिर से मैं कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ ओटीपी लेकर के, हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा सिलेक्ट कर लिए इसकी वजह से नहीं हो रहे। पहले दो कार्ड डाउनलोड किए, अब हम फिर से दो कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो उधर से ओटीपी प्राप्त होगा हमें व्हाट्सएप पे, मैंने उन्हें बोल दिया कि जैसे ही ओटीपी आए तुरंत बताना। ओटीपी प्राप्त होते ही यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे हम, ओटीपी प्राप्त हो चुका है व्हाट्सएप पर हमें, और एंटर करेंगे तो देखिए इनके कार्ड अभी पूरी तरह से इशू नहीं हुए, इशू मतलब पीडीएफ इनकी जनरेट नहीं हुई है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो जिनके डाउनलोड नहीं हो रहे हैं आप एक बार ऑपरेटर आईडी से सीएससी से रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या आपके पास सीएससी नहीं है तो आप डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी ऑपरेटर आईडी जनरेट करने के बाद, एक बार यहाँ से कोशिश करें कि कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाकी रीडो केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, मैंने पिछली वीडियो में रीडो केवाईसी करके आपको बताया, अगर वहां से आपकी नहीं हो पा रही है तो इस ऑप्शन से जाके रीडो केवाईसी कर सकते हैं। और देखिए आधार लिंक का ऑप्शन भी यहाँ पर आ गया, आपने सुना होगा कि कुछ मेंबर के आधार लिंक नहीं है, अस्पताल से उन्हें वापस कर दिया जा रहा है कि आपका आधार लिंक नहीं है या आपका डाटा हमारे यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो वो लोग भी यहाँ से आधार लिंक कर सकते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये ऑपरेटर का डैशबोर्ड आ चुका है, और डैशबोर्ड की रिपोर्ट आज मैंने कोई केवाईसी नहीं किया इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। तो आप ऑपरेटर आईडी का यूज करके इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इधर सर्च का ऑप्शन भी, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कोने की साइड में को, और ये देख सकते हैं सर्च आधार लिंक ऐड फैमिली मेंबर और डाउनलोड कार्ड और कार्ड डिलीवरी, ये ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुके हैं, आप इन ऑप्शनों का भी यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पर नए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।